अरे आ गए आप लोग। बॉलीवुड में शायद आखिरी एक शाहरुख खान ही बचे हैं, उसके बाद शायद फिर कोई नहीं। ये लोग साल में इतनी फिल्में रिलीज करने के बाद भी पब्लिक को थिएटर नहीं बुला पाते, और ये बंदा एक छोटे से एड से सोशल मीडिया को हिलाने की पावर रखता है। मतलब कि एक टीवी एड को देखकर उस चीज के लिए उस लोगों को पागल कर देना, ये बंदा उस चीज का पावर रखता है। बस शाहरुख खान लौटे हैं छोटी सी क्लिप के साथ, जब मामला प्रोफेशनल था लेकिन अब पर्सनल हो गया है। आर्यन खान का बड़े चुपचाप से बॉलीवुड में डेब्यू हो गया है। कहते हैं ना एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा। इनकी इस फिल्म में आर्यन खान हम बेटे का रोल कर रहे हैं और पिताजी का रोल कर रहे हैं शाहरुख खान। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ये लोग काफी समय से लगे हुए थे। इस फिल्म का शुरू तो आर्यन खान कर रहे हैं, लेकिन खत्म इसको शाहरुख खान करेंगे अपने नए अंदाज में। लगता है शाहरुख खान अपनी नेक्स्ट आने वाली फिल्म जवान को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। लगता है इस फिल्म को हिट कराकर मानेंगे। फर्स्ट टाइम आर्यन खान की फिल्म आ रही है, क्या ये लोगों के दिल में जगह बना पाएगी? वैसे तो इस एड की तरफ से लोग वाह वाह और तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया है। ये तो हर किसी के बराबर की बात है, पीछे क्या है शाहरुख खान क्यों ना हो। अरे भैया जैसे ऋतिक रोशन और रणवीर और शाहिद कपूर हैं, ये सब भी तो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, पर लोग इन्हें इनके टैलेंट की वजह से जानते हैं। तो भाई आर्यन को भी इसी रास्ते पर चलना होगा। अरे भाई एड में तो कुछ कह नहीं सकते, पर ये बंदा फिल्म में कुछ नया धमाल करेगा। मुझे तो फिक्र है बस सिर्फ जवान फिल्म को लेकर, इस बंदे को कोई फिक्र ही नहीं है। जवान की 2 जून रिलीज डेट तो रख दी है, पर इसका अभी तक कोई ट्रेलर या फिर ऐसा कोई पोस्टर अनाउंस नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा इस फिल्म को लेकर करना क्या चाहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को प्यारी सी कर दे लाइक, प्यारी सी कर दे कमेंट, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई शिकायत है, कोई बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं।